नवरात्रि को लेकर अष्टमी को सुबह से ही पंडालों और मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। आज मां गौरी की पूजा हो रही है। डाक बंगला स्थित पंडाल में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी। शारदीय नवरात्रि का आज आठवां दिन है। आज मां दुर्गा के आठवें स्वरूप यानी महागौरी की पूजा की जा रही है। पटना सिटी के शीतला मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शीतला मंदिर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। पूरे देश में दुर्गा पूजा के त्योहार को लेकर धूम मची हुई है और चारों तरफ मां की आराधना में भक्त लीन है। आरा में कोरोना काल के दो वर्ष बाद पूरे देश में पूजा की धूम मची हुई है। मां का पट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। चारों तरफ गूंज रहे देवी गीत से माहौल भक्तिमय हो गया है। आरा शहर में भी एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल तैयार किया गया है। कहीं फूलों से बेहतरीन पंडाल बनाया गया है, तो कहीं अमेरिका का लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो कहीं विष्णु टेम्पल हैदराबाद का नजारा देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि इस पूजा पंडाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ काफी जुट रही है। नवरात्र के मौके पर हर ओर माता की पूजा अर्चना की जा रही है। मुजफ्फरपुर में इस बार एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। रामदयालु स्थित मां मनोकामना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है और नवरात्र की हर ओर धूम देखी जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के थीम पर इस बार पूजा पंडाल तैयार किया गया है और मां मनोकामना देवी मंदिर में पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सिवान में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और पटना के तर्ज पर इस बार दुर्गा पूजा में डांडिया कराया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर सिवान शहर के अयोध्यापुरी मोहल्ले की है, जहां पर डांडिया कार्यक्रम रखा गया और शहर की महिलाओं ने, युवतियों समेत सभी लोगों ने डांडिया का हिस्सा बनने का काम किया। नवरात्र के अवसर पर पटना राजधानी की आयकर गोलंबड़ के पास आरजेडी नेत्री की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है, जो लगातार चर्चा में है। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें लालू यादव और महागठबंधन के नेताओं को देवताओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जबकि नीतीश कुमार को अर्जुन और तेजस्वी यादव को कृष्ण के स्वरूप में दिखाया गया है। वहीं देश के पीएम और गृह मंत्री को विलेन के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर के बारे में ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पोस्टर डाक बंगला पर लगाया गया है। बगहा के रामनगर में दशहरा मेला को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। नगर के अंबेडकर चौक से सोहसा पंचायत के कई गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसपी ने रामनगर के सभी लोगों से दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अपील की। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में चुनाव भी है और पूजा भी, ऐसे में असामाजिक तत्व के लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करें तो रामनगर पुलिस को तुरंत सूचना करें। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की अनुशंसा के आलोक में राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मुख्यमंत्री के अनुशंसा के आलोक में पर्यटन मंत्री कुमार सरबजीत को कृषि मंत्री बनाया गया है। पर्यटन विभाग का प्रभार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिया गया है। कुमार सरबजीत राज्य के कृषि मंत्री। दरअसल इससे पहले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी पुष्टि की थी। सुधाकर सिंह मंत्री बनने के बाद से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में थे, चाहे वो अपने विभाग के अधिकारियों को चोर बताना हो या फिर कृषि रोड मैप पर सवाल उठाना। यूपी के भदोही में भीषण हादसा हुआ है। औराई भदोही मार्ग से सटे नरथुआ गांव में पंडाल में भीषण आग लग गई। भदोही के नरथुआ स्थित दुर्गा पंडाल में भीषण आग से तीन घंटे तक चीख पुकार और भगदड़ की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे में एक किशोर
अंकुर सोनी की मौत हो गई है और 52 से अधिक लोग झुलस गए हैं। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में उपचार के दौरान एक महिला ने भी दम तोड़ दिया। इस प्रकार कुल 4 लोगों की मौत हुई है। झुलसे बच्चों और महिलाओं की स्थिति भीषण अग्निकांड की भयावहता को दर्शा रही थी। औराई के नरथुआ स्थित दुर्गा पूजा पंडाल की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। आग से झुलसे बच्चों की चीख पुकार सुन वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। रविवार को भी उक्त गुफानुमा स्थल पर 150 से अधिक महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। सभी को सूर्या ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। भागलपुर में लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अपराधियों के पकड़े जाने पर स्थानीय लोग पिटाई कर रहे हैं। पिछले दिनों कपड़ा व्यवसायी हत्या मामले में मुख्य आरोपी को पकड़कर स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में पुलिस पहुंची और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। वहीं ताजा मामला हाजीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर अपराधी दिन दहाड़े घर में घुसकर सदस्यों पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हथियार के साथ अपराधियों को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पुलिस को आवेदन मिलने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने से डर रही है। मधेपुरा में गिरफ्तार लोगों को दोबारा शराब नहीं पीने और नहीं बेचने का शपथ दिलवाया गया, जिससे कि वे दोबारा शराब का सेवन नहीं करें। मधेपुरा के उत्पाद अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि छापेमारी में शराब बेचने और पीने के आरोप में कई क्षेत्रों से कुल 109 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि सभी गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक श्री प्रसाद ने कहा कि सभी गिरफ्तार व्यक्ति को शपथ दिलाई गई है कि वे अब दोबारा ना ही शराब पियेंगे और ना ही बेचेंगे। मधुबनी में मोटर चोरी करने आए चोर ने ईंट से कूचकर व्यक्ति की हत्या कर दी। यह घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसैठ गांव की है। मृतक के पुत्र प्रमोद सदय ने बताया कि पड़ोसी के घर के कैंपस में मोटर चोरी करने आए एक चोर ने चोरी का विरोध करने पर उसके पिता की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। रविवार को छपरा के बांझी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं के बीच अक्षत बांटकर जेपी जयंती समारोह में शामिल होने का संकल्प करवाया। नित्यानंद राय ने 11 अक्टूबर को सिताब दियारा में आयोजित जेपी जयंती समारोह में गृहमंत्री अमित शाह के शामिल होने की सूचना देते हुए अक्षत बांटकर कार्यकर्ताओं को समारोह में शामिल होने का संकल्प कराया। मौके पर मौजूद सांसद जनार्दन सिंह सिंगरेवाल के ने कार्यकर्ताओं से जेपी जयंती समारोह में शामिल होने की अपील की। इससे पहले स्थानीय बलिया मोड़ पर मौजूद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों दिग्गजों का स्वागत किया। बेगूसराय पहुंचे बीजेपी विधानमंडल के नेता विजय सिन्हा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। आरजेडी के कोटे से मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर बोलते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि कृषि मंत्री का इस्तीफा कई सवाल खड़े कर रहा है। कृषि मंत्री ने कहा था कि हमारे यहाँ सभी चोर हैं और हम चोरों के सरदार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने विधायिका को हमेशा नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात बैठी हुई है। पदाधिकारी अराजकता बढ़ा रहे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का नोटिस नहीं लेना यह गंभीर विषय है। बापू की कर्मभूमि चंपारण में कस्तूरबा गांधी के नाम पर बने स्कूल का अभी तक सरकारीकरण नहीं किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से स्कूल का संचालन कराया जा रहा है। जनसुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने सभी छात्रों को बधाई दी। वहीं प्रशांत किशोर ने स्कूल में पढ़ रहे करीब 350 छात्राओं की पढ़ाई का सारा खर्च खुद वहन करने की घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया था, इसलिए हम अब पदयात्रा पर निकल चुके हैं। जो भी समस्या आएगी उसे दूर किया जाएगा।
छपरा नगर निगम के मेयर पद की उम्मीदवार प्रिया देवी का दावा है कि जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। मेयर उम्मीदवार प्रिया देवी नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक घर पर अपनी पहुंच बनाती हुई दिखाई दे रही है। समर्थकों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर रही प्रिया देवी अपनी जीत के प्रति स्वस्थ हैं और आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है। प्रिया देवी ने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से की और रात्रि विश्राम के पूर्व वह भूखों और को उन्होंने अब भोजन कराना नहीं भूलती है। प्रिया देवी की माने तो नगर निगम छपरा की प्रथम मेयर होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है और मेयर रहते जो जनसेवा उन्होंने किया उसका लाभ उन्हें मिलेगा और अब की बार फिर जीत होगी।